सो हाय गाइस, हमारे गेम के अंदर आ चुका है फाइनली स्टेट वॉर्स का बिल्कुल ही एक नया इवेंट। और गाइस ये जो इवेंट है वो 16 जून से लेके पूरे 29 जून तक चलने वाला है। और भाई इस इवेंट को कंप्लीट करने के बाद आप लोग काफी सारे फ्री के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, जैसे कि डीनो का बंडल हो गया, टी शर्ट हो गया और भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे जो कि यार मैं आप लोग को वीडियो के आगे दिखाऊंगा। तो इस इवेंट को कैसे कंप्लीट करना है चलो मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे ही आप लोग इस इवेंट के अंदर आओगे तो गाइस यहाँ पर आप लोग अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो जो भी आपका स्टेट है ना वो आप लोग यहाँ पर इजिली सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैं बिहार से हूँ तो यहाँ पर हम लोग बिहार सेलेक्ट लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। और गाइस आप लोग याद रखना आपका जो भी स्टेट है ना वही सेलेक्ट करना है, ठीक है, दूसरा स्टेट मत सेलेक्ट कर देना। तो यार स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप लोग कंफर्म जैसे ही करोगे आप लोगों को दो बार कंफर्म करना है, उसके बाद गाइस आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइस यहां पर देखो बोला जा रहा है अर्न 30 पॉइंट्स टू अनलॉक, मतलब आप लोगों को सबसे पहले 30 पॉइंट कलेक्ट करना होगा, उसके बाद गाइस ये वाला जो लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। इस लॉक को अनलॉक करने के बाद क्या मिलेगा वो मैं आप लोगों को वीडियो के आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइस पूल के बारे में। तो प्राइस पूल के अंदर आप लोगों को दो तरह के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को स्टेट का रिवॉर्ड मिलेगा जो कि टॉप स्टेट को मिलने वाला है, मतलब स्टेट के जितने भी बंदे होंगे ना सभी को ये टी शर्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर वाउचर वगैरह दिया जा रहा है, जैसे कि वेपर रोल का वाउचर है, गोल्ड रोल का वाउचर और गन का क्रेट वगैरह मिलने वाला है। वैसे अगर आप लोग सोलो में खेलना चाहते हो, मतलब खुद अकेले खेलना चाहते हो, तो गाइस आप लोग खुद अकेले में भी खेल के अच्छे खासे रिवॉर्ड जीत सकते हो, जैसे कि आप लोगों को डीनो का बंडल मिलने वाला है। अगर आप लोग सोलो में खेलते हो तो सोलो में भी आप लोगों को 10,000 टॉप 10,000 पे आते हो ना, मतलब 10,000 बंदों के पास आते हो ना, तब भी आप लोगों को यहाँ पर डीनो बंडल मिलने वाला है, लेकिन वो आप लोगों को 30 डेज के लिए दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप लोग 1,00,000 बंदों के बीच में आते हो तो भाई यहाँ पर आप लोग गन का क्रेट वगैरह मिलने वाला है, ठीक है। बाकी ये अदर रिवॉर्ड्स भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप लोगों को सोलो में या फिर स्टेट में खेलना है तो उसके लिए गाइस यहाँ पर आप लोगों को एक लॉक देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप लोगों को इस लॉक को अनलॉक करना होगा, ठीक है। और लॉक को अनलॉक करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को 30 पॉइंट कलेक्ट करना होगा। और गाइस पॉइंट्स कलेक्ट करना काफी ज्यादा इजी है, बस आप लोगों को अच्छे से मैचेस खेलना है। कौन से मैचेस खेलना है और कितने पॉइंट्स मिलेंगे चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोगों को यहां पर ऊपर में व्हाइट वाले आइकन पे यहां पर आप लोगों को रूल्स वगैरह बताया गया है, टाइम पीरियड भी बताया गया है, तो वो सब मैं आप लोगों को वीडियो के आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले तो आप लोगों को 30 पॉइंट्स कलेक्ट करना होगा, उसके बाद ही गाइस आपका स्टेट वाला सेक्शन अनलॉक होगा और भाई उसके बाद आपका पॉइंट्स स्टेट के अंदर काउंट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को 30 पॉइंट्स कलेक्ट करना होगा और गाइस पॉइंट्स कलेक्ट करना काफी इजी है। सबसे पहले आप लोगों को बीआर या फिर सीएस मोड खेलना है, ठीक है। जो बैटल रॉयल का मोड होता है 50 बंदों वाला वो आप लोग खेलना है या फिर सीएस भी खेल सकते हो, दोनों मोड में से किसी भी मोड को खेलना है। गाइस अगर आप लोग एक बार एलिमिनेट करते हो, मतलब किसी भी एक बंदे को मारते हो तो आप लोगों को एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। दोनों मोड के अंदर सीएस या फिर बीआर के अंदर किसी में भी खेलो, एक बंदे को मारोगे तो एक पॉइंट मिलेगा। और अगर आप लोग क्लैश कोड के अंदर बुया ले लेते हो, क्लैश कोड रैंक या फिर नॉर्मल क्लैश कोड की बात कर रहा हूं, तो अगर ये दोनों में मतलब किसी में भी आप लोग एक बार बुया लेते हो तो आप लोग को 2 पॉइंट मिलेगा। और अगर आप लोग बीआर रैंकेड के अंदर टॉप 3 पे आते हो तो 3 पॉइंट मिलेगा। और अगर आप लोग बीआर के अंदर बुया ले लेते हो, मतलब बैटल रॉयल का जो 50 बंदों वाला मैप होता है उसमें अगर आप लोग बुया ले लोगे तो आप लोग को 3 पॉइंट मिलेगा। अगर आप लोग टॉप 3 पे आओगे तो 3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब अगर आप लोग बुया लोगे तो टॉप 3 का 3 पॉइंट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आप लोग को बुया लेने पे भी 3 पॉइंट मिलेगा, मतलब कि 6 पॉइंट मिल जाएगा। मैं तो आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि यार आप लोग ज्यादा ज्यादा बीआर रैंकेड खेलना और गाइस ज्यादा ट्राई करना कि बुया लेने का, ठीक है। अगर आप लोग बुया ले लोगे तो आप लोग को बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे और साथ ही साथ आप लोग किल का भी पॉइंट मिलने वाला है, ठीक है। तो टोटली बस आप लोग यहाँ पर बीआर या फिर सीएस खेलना है और गाइस बुया कंप्लीट करना है। बुया कंप्लीट करने के बाद गाइस आप लोग को पॉइंट्स मिलेगा। पॉइंट जैसे आपके पास 30 पॉइंट हो जाएगा ना, ये जो लॉक है वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा स्टेट का भी और सोलो का भी, ठीक है। तो अगर आप लोग को सोलो में खेलना है तो सोलो में भी खेल सकते हो। जैसे आप लोग सोलो के टॉप 1,000 में पहुंच जाते हो तो भाई फाइनली यहाँ पर आप लोग क्लेम करने का ऑप्शन आएगा, लेकिन ये जो रिवॉर्ड्स है वो आप लोग को अभी नहीं मिलेगा। ये गाइस आप लोग को मिलने वाला है 30 जून को। गाइस आज है 16 जून और आज से आप लोग को इसका मिशन कंप्लीट करना है और मिशन कंप्लीट करने के बाद ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स गेन करना है। और भाई उसके बाद आप लोग को 30 तारीख को यहाँ से रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। माना कि अगर आप लोग 30 तारीख तक 10,000 टॉप 10 10,000 तक रहते हो तो भाई यहाँ से आप लोग को डीनो का बंडल क्लेम करने का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि आप लोग इजिली क्लेम कर सकते हो। और गाइस अगर आप लोग स्टेट में, अगर आपका स्टेट टॉप 5 पे आ जाता है तो भाई यहाँ से आप लोग को टी शर्ट वगैरह मिलने वाला है, जो कि यार काफी अच्छा है। और गाइस ये जो टी शर्ट वो भी आप लोग को 30 डेज के लिए दिया जाएगा, परमानेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रिवॉर्ड्स उतने कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग इस वाले इवेंट को कंप्लीट कर सकते हो, जो कि यार बहुत ज्यादा सिंपल है। जैसे आप लोग पहले गेम खेल देते हो वैसे ही आप लोग को अभी भी गेम खेलना है, बस आप लोग को गेम खेलने के बदले पॉइंट्स मिल जाएगा, उसके बाद गाइस आप लोग को रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये रिवॉर्ड्स आप लोग इजिली कंप्लीट कर सकते हो और ये जो लॉक है वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा 30 पॉइंट कलेक्ट करने के बाद। उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पर लीडर बोर्ड के अंदर अपना नाम वगैरह देख सकते हो, आप लोग कितने पोजीशन पे वो सब आप लोग देख सकते हो। फिलहाल ये मेरा अनलॉक नहीं हुआ है क्योंकि यार मैंने अभी तक 30 पॉइंट कलेक्ट नहीं किया। जैसे मैं 30 पॉइंट कलेक्ट कर लूंगा भाई ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। तो गाइस आप लोग भी सबसे पहले 30 पॉइंट कलेक्ट करना है, कैसे कैसे पॉइंट मिलेगा वो तो मैंने आप लोग को बताया ही दिया। तो बस आप लोग को पॉइंट्स कलेक्ट करना है, इस लॉक को अनलॉक करना है, उसके बाद गाइस आप लोगों का नाम भी लीडर बोर्ड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और गाइस अगर आप लोग इस इवेंट के रैंक पोजीशन पे आते हो तो भाई यहाँ से आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में टी शर्ट मिलने वाला है, जो कि मेल और फीमेल दोनों में यूज कर सकते हो। और गाइस ये आप लोग को 30 डेज के लिए मिल जाएगा और गाइस साथ ही साथ यहाँ पर टॉप 10,000 प्लेयर्स को डीनो का बंडल मिलने वाला है, जो कि 30 डेज को मिल जाएगा, ठीक है। ये जो रिवॉर्ड्स है वो आप लोग को 30 जून से मिलना स्टार्ट होगा पूरे 6 जुलाई तक। तो
आप लोग बस यहाँ पर पोजीशन बना के रखना और गाइज उसके बाद आप लोगों को रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। साथ ही साथ गाइज यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे गोल्ड्स भी मिलेंगे और ये जो गोल्ड्स है वो आप लोगों को पर डे का मिलेगा, मतलब पर डे आप लोगों को 200 करके यहाँ पर गोल्ड मिलने वाले हैं, 300 और 2 500, 200 और 100, मतलब टोटली 800 गोल्ड मिलेगा पर डे का। जी हाँ मेरे भाई, ये डेली का रिफ्रेश होगा सुबह के 4 बजे और गाइज डेली आप लोगों को यहाँ पर मैचेस खेलने पर यहाँ पर गोल्ड मिलेगा, तो यहाँ पर डेली आप लोगों को 8 मैचेस खेलना है। ये जो इवेंट है ये इवेंट स्टेट वॉर्स के साथ ही खत्म होने वाला है, मतलब कि 29 जून को खत्म होने वाला है, तो उससे पहले गाइस आप लोगों को बहुत सारे गोल्ड मिलेंगे पर डे, आप लोगों को 800 करके गोल्ड मिलेगा, तो आप लोग इजीली मैचेस कंप्लीट करने के बाद गोल्ड्स कलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस फाइनली मैंने आप लोगों को स्टेट वॉर्स के बारे में सारा कुछ बता दिया, आई होप गाइस आप लोग इस इवेंट के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, लेकिन अगर आप लोगों को अभी भी कुछ भी डाउट है इस इवेंट से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। तो बस आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही था, होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।